रामनगरी अयोध्या में नया घाट पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य लोग शामिल हुए, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने बताया कि मकर संक्रांति 2022 से श्रीलंका से जाने माने कवियों की यात्रा निकाली जाएगी, जो महाशिवरात्रि 2022 को अयोध्या में समाप्त होगी। आरएसएस के प्रचारक एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि अयोध्या पहुंचने पर यात्रा के स्वागत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी के कुछ कवियों ने इसका संकल्प अयोध्या में पूजन एवं सरयू जल से शुद्धिकरण के साथ किया। उन्होंने बताया कि श्रीलंका से अयोध्या तक की इस यात्रा के दौरान 100 कवि सम्मेलनों का आयोजन जगह जगह होगा। कवियों के भारत के नहीं विश्व के ऐसी पहला संस्थान और संगठन है, नहीं तो कवियों का अपना संगठन कोई नहीं था। उसने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सरकार ने ट्रस्ट निर्माण किया, यहाँ पर भूमि पूजन हुआ मंदिर निर्माण के लिए, तभी यह संकल्प किया था कि श्रीलंका से श्री अयोध्या तक एक काव्य यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निकाली जाए। मकर संक्रांति 2022 से श्रीलंका से यह यात्रा प्रारंभ होगी और महाशिवरात्रि 28 फरवरी 1 मार्च 2022 को श्री अयोध्या में ये यात्रा संपन्न होगी। बताया जा रहा है कि कवियों की यात्रा में अयोध्या से श्रीलंका के बीच राम वन गमन मार्ग की तीर्थों की महत्ता का बखान किया जाएगा। वहीं इंद्रेश कुमार के मुताबिक ये कार्यक्रम विश्व स्तरीय होगा।